हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो गया, मैं उठ गई हूँ, 7 बजे उठ गई थी, नहा ली हूँ, रेडी हो गई हूँ और ये अभी तक यहीं पे लेटे हैं और उठे नहीं है। और दो बार मैं प्रिंस को भी चेक कराई, मैंने पूछा बेटा कितने बजे उठी है, 5-6 बजे उठ जाता हूँ, अभी तक सो रहा है, 8 बज गए हैं अभी। दिखाती हूँ, मिलवाती हूँ प्रिंस से। प्रिंस, अरे प्रिंस, गुड मॉर्निंग। किसी नींद आई? मस्त इब्बा उठे, हमने उठाया ना अनु का दमा, 5-6 बजे उठू गए ना, कितना टाइम हो रहा है, 8 बज गए हैं, कसुत्ती नींद आई। ठीक है, उठ जा। तो गाइस निकल लिए हैं, और प्रिंस भी, मैं भी और मित्तू भी, और क्या बोलते हैं, हम दोनों बुआ बेटा ने कुछ को नहीं खाया, हमने एक केड़ा खाया है क्योंकि कल मम्मी ने दे दिया था। क्योंकि मैंने क्या किया, कल सुबह उठते ही यहाँ नहा धो के तैयार होके सामान वामान रेडी करके वहाँ गई, वहाँ जाके खाना वाना बनाने लगी, 10-11 बज गए। उसके बाद ना भूख तो लगी होती है, खाया नहीं जाता, 1.5 रोटी खाई गई, फिर गाँव निकल गई, फ्रूट्स भी नहीं ले पा रही हूँ दिन में, नहीं क्या जरूरत है, तो इसीलिए मैंने आज सुबह उठते ही बनाना खा लिया मैंने ऑलरेडी, और बस अब जाके रोटी सब्जी बनाऊंगी, देखते हैं क्या सब्जी खाएंगे। आज लास्ट डे है भाई इनका, खाएंगे तो ठीक है, नहीं कल से जाना बंद, ताला यहीं गेट पे। बनाऊंगा इनको बुआ, फिर कल से देख। नहीं खाऊंगी तो, अरे ज्यादा दिन का वो नहीं होता है, खाली 10 दिन की होती है, पहले ये केरा हो जाता है, फिर छठी हो जाती है, भेली देने जाओ वो हो जाओ, उसके बाद 10वीं हो जाओ, उसके बाद कोई टेंशन ना, फिर तो सीधा अपना फंक्शन होगा उसपे, क्या बोलते हैं, वो पीढ़िया आता है तब फंक्शन करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिन का नहीं है, बट हाँ डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा करेंगे मैनेज जैसे तैसे करके। कहीं जी रस्ते से इनको नारियल पानी दिलवाया, अभी कैसे भिंडी जैसी शक्ल बना के पीने लग रहे हैं, अब देखो इतनी जल्दी, मतलब 4 बजे उठ के खड़े हो जाओ ना, खड़े हो जाओ ना, खड़े हो जाओ ना। मम्मी को ये होता है, मम्मी के लिए परेशान हो जाएगी, क्योंकि वो कल उसका इंजेक्शन लगाना, तो वो रोए रोएगा, वही संभाला जाएगा। तो पोता भी तो मम्मी का होया है, फिर मेरा भी तो भतीजा होया है, फिर उन्हें चाह पानी चाहिए, उन कहनू को ना उठ के कौन सा बना लूं, हाथ पा ला लूं, उन्हें फिर बनी बनाई तड़के तड़क बेड पे चाहिए, फिर कौन करे बताओ ना, तो मोहित ने चाय बनानी आ बना सके है, पर बनाओ को नहीं। गाइस आ गई मैं मम्मी के पास, पहुंच गई मम्मी। अरे यो मारा क्यूटी पाई, मैं गई जब भी सोया था, इब भी सोया, फिर मेरा ये दोनों सासू बहू के गए, इब सोया है, इब सोया है, ये तू पटकाले होगी तो पटा के लेके सर बन जाए, मैं खाने लायक आड़ कुर्सी पे आती रहती बैठी, यूं रेड खा लेती, इतना पिस्ता सो गया आइसक्रीम लेकर आए थे। ये हमारा सोन लाग रहा है क्यूटी पाई, ये उसका पापा है, चाचा रहा, और उसके मजे हो रहे हैं, कसुत्ता वो सोया बढ़िया कती। मैंने बोली पा कितने बजे उठा कर, इन्हू बोलिया 5 बजे उठ जाऊं बुआ, 8 बजे धक्के मार के ठाया, मारे उठ ले। तो चाय बना के ले आई हूँ, साथ में रस है, ये चाय पीने लग रहे हैं इधर, और सारे लेटे हैं भाई, मारा क्यूटू भी सोने लग रहा है, लेटते हैं ये भाई। अब मैं भी चाय पी लूं, वैसे मैं पिया ना करूं पर पी लूं रोटी सब्जी, ये नु कहे भाई भूख को ना कुणसे ने भी, तो मगा कोई बात नहीं, तो और हो सकता है हमारी कुक आ जाए जल्दी से, बहुत ही मजा आएगा, देखते हैं। बात करिए, बहुत डिफिकल्ट है भाई कुक ढूंढना, और जो काम वाली ढूंढना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। नॉर्मल दिन में तो बेटा हम भी कर लिया, बात तो कुछ और हो रही है ना, ये जापे की इमानी चौराहे में देख पीछे आया, इधर खाए चल रही है, ठीक है, और इधर पापा खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, इसमें बुरा है वो, क्या खाया आपने सुबह से? मैंने मैंने एक तो केला खाया। अच्छा, और अब मैं निकालने लग रही हूँ मम्मी की सब्जी, बिना मिर्ची वाली रोटी बनाऊं फिर खाऊंगी, ठीक है। अच्छा जी, आप बताओ
एक केड़ा मतलब है, एक केड़े में काम चल गया तुम्हारा। वेरी गुड। अभी इतनी भूख ना लगी सुबह सुबह, आपकी सोच रही थी रोटी मतलब वो कर देती। मैं तो जा रहा हूँ, ये जाएंगे गाइस अभी घर पे, ये सुहाने का टाइम ना चेंज करना पड़ेगा। उसको बोला है कि 7 बजे आ जाए, हमारा काम 7 बजे कर दे क्योंकि हम लोग जल्दी आ जाते हैं ना इसीलिए। और अब वो 2 दिन से ना 10:30 आ गई, बल्कि कल तो वो आई भी नहीं। तो ये जाएंगे वहाँ पे सफाई करवाएंगे और नहा धो के आएंगे। मैं तो नहा के आ गई थी, ये आएंगे नहा के वहाँ से, ठीक है जी। और उसके बाद फिर हम जाएंगे बेबी के लिए कुछ बड़ा सा गिफ्ट लेने के लिए, जो कि मैं उसको छठी वाले दिन दूंगी। तो उसके लिए टाइम मिले क्योंकि कल जाएंगे सारे जने बेली लेक है, अपने में हुआ है ना बेली लेक जाकर, तो सारे जने वहाँ जाऊंगे। और अगर वहाँ जाऊंगे तो फिर मन को ना रहना पड़ेगा, कल तो टाइम मिलेगा नहीं। आज मेरे पास टाइम है तो आज का दिन मैं यूटिलाइज करूंगी बेबी के लिए। क्या गिफ्ट लेके आ रही हूँ मैं उसको, क्या दूंगी छठी वाले दिन, बहुत ही अच्छा बहुत ही जबरदस्त सा है, कुछ दिखाऊंगी आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। और कड़ुल्ली का बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे, मैंने पूछा था तो कुछ अलग टाइप के आते हैं वो धागे वाले से, तो उसको ना बड़ा छोटा कर सकते हैं, एक वो लेके आऊंगी मैं। तो आप जैसे ही आ जाओगे ना तब तक मैं इनको फ्री कर दूंगी, खाना वाना खिला के सारी चीज़ें, और फिर चलेंगे वहाँ पे ज्वेलर के पास। अब हो सकता है 1% मैं ना जाऊँ, वैसे तो तब तक काम फ्री हो जाएगा, भाई को मम्मी देख लेगी, तो 1-2 घंटे में हम लोग जा सकते हैं। और अगर नहीं जा पाए तो फिर खाली आप चले जाना, वैसे तो चले ही जाएंगे क्योंकि मम्मी संभाल लेगी भाई को। आ रही मम्मी, ए मम्मी मेरे तो फ्री फ्री में थापे लगागे, पैसे कौन देगा? दरे 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 किसा, कौन सा भी नाम नहीं ले रहा, पैसे देने हैं इतने ले, इतने चादर है मेरे तो गड्डी दे दे है ले ले, उसमें मैं के लूं था अपने हिसाब से दो, फिर गणे ले लूं तनु का लालच करे घर के मको। आई है पाई के बारे में ना को देख ले पा, अरे कहने का नहीं और बोलती भी नहीं है खाने के बारे में, बड़ी बोलती है ना कतिनो देनी मारी लेकिन नु का तो इतना तो है कि बेचारा सहजा नहीं पर पूरे गांव की ये पूरे गांव मांडी हूं मैं, वो भी इस हालत में सोच सारी लुगाई मेरे के कहती गांव की, आए स्वामी तू क्यों दुखी हो रही है इस टाइम में, किसी ने कह देती और ने मां एक रूबू आवा चाहे सर ना डटा गया, मैं खुद तर लगाऊंगी बोली ना ना इस टाइम में तने ना आना चाहिए था, इतने चुराए हैं ये है वो है, मां कुछ ना होगा भगवान देखता है, कोई दिक्कत को नहीं होगा। के कहे बाबू की सुनियो कर तू बाबू बन रहा है ठीक है पैसे लेगा मैंने पैसे चाहिए पैसे चाहिए कुछ भी हो जाओ चाहे क्या कर रहे हो आज नेक लूंगी मैं पक्का हां पा पैर पहले दुखवा लिए पैसे मिल ले ना दाढ़ी दी ना मेरे इधड़िया इधड़िया।